जिला गरियाबंद में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र खड़मा में वृद्ध महिला के खाते से 4 लाख रुपए की हेराफेरी का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल इस खबर से सवाल यह उठता है कि क्या अब भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गांव में संचालित ग्राहक सेवा केंद्रों में जमा राशि अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खातों में जमा राशि अब ठगों के निशाने पर है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिले के छोरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुड़ा गांव से, जहां दशोदाबाई एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में ठगी का शिकार हुई है। वृद्ध महिला दशोदाबाई के अकाउंट से करीब 4 लाख रुपए लूट लिए गए। ये कोई बाहर का ठग नहीं बल्कि ग्राम खड़मा में संचालित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक गोविंद साहू नामक व्यक्ति है। मुड़ा गांव निवासी दशोदाबाई ने बताया कि उनके पति स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे। पति की मौत के बाद से पेंशन मिलना शुरू हुआ था, तब दशोदाबाई ने छुरा के एसबीआई बैंक में खाता खुलवाना चाहा, लेकिन ब्रांच मैनेजर ने खड़मा में संचालित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में खाता खुलवाने की सलाह दी। दशोदाबाई ने खाता तो खुलवा दिया पर पेंशन की राशि हर 2-3 माह में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक गोविंद साहू कुछ हजार रुपए देकर बाकी राशि हजम कर वृद्ध महिला को भेज देता था। जब दशोदाबाई के परिजन पासबुक में 3 साल की स्टेटमेंट निकलवाने गए, तब खुलासा हुआ कि एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक गोविंद साहू 3 साल से थंब इंप्रेशन से अपने खाते में करीब 4 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। जब परिजन एसबीआई के अधिकारी को इसकी जानकारी दी तो बैंक के अधिकारी शिकायत नहीं करने की बात कहकर मामले को दबाने का प्रयास करने लगे। हालांकि एसबीआई के ब्रांच मैनेजर आरके नंदवार ने गोलमोल जवाब देते हुए मामले में उचित कार्रवाई के लिए बैंक के उच्चाधिकारी को पत्र भेजने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित दशोदाबाई के पुत्र सुशील जल छत्री ने एसपी सहित बैंक के महाप्रबंधक तक इसकी शिकायत की है। बहरहाल इस पूरे मामले में छुरा पुलिस तहकीकात में जुट गई है। गोविंद ला पूछो तो नहीं जाना कहा है, 2 महीना हो गए गोविंद ढपला हुआ थे, कैसे हुआ थे क्यों ना, तो आगे से नहीं आवा थे तोर पैसा कही दी। पासबुक लाए अपने बनवा दी से मोर बेटा की ही था, तो वो पासबुक में एक दिन कथे माँ 53,000 है की ही, वो पासबुक में फिर देखता हूँ ना 32,000 आ गए, 53,000 32 हो गए। तब ये ढपला है बेटा, जा मैनेजर के पास की के मोर नातिल भेजे हैं, तो वो मैनेजर है मोला धमकी दी से ओकर मोर नातिल है, तो ते कौन हो था साफ बात कर रही है की के तोर दादी सब पैसा निकाल ले दूसरा आदमी लान के की के मैनेजर धमका है मोर पैसा दे दी पूरा निधि ते जेल भेजवा। ओमे तो मात 20,000 2-3 बार निकला ले हैं, ओकर बाद तो 1,000 20,000 12,000 8,000 ऐसे निकाले नहीं है, ओकर से पता चली मोला के लाख के घपला, वो लगभग तो 3-4 लाख के घपला हो। यहाँ पहले तो बैंक में करें तो बैंक वाला है डाल देंगे पैसा डाल देंगे मत करो ऐसे बोली, धोखेबाज में तो पूरा ब्रांच है जाही स्टेट बैंक के पूरा ब्रांच सेटिंग है साथ में, और गुनाह करे ना ओकरे साथ देवत हूँ, हाँ अब गरीब के साथ कोई नहीं दे। अभी सुशील कुमार जल छत्री हैं, ये मुड़ा गाँव के हैं, इनके माता दशोदाबाई के खाता से 4 लाख रुपया निकालने के संबंध में थाना छुरा में एप्लीकेशन दिया गया है, उस संबंध में अभी जांच चल रही है।